हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम कुंडली में गुरु और शुक्र की युति के प्रभाव बताने जा रहे हैं कि अगर कुंडली में गुरु और शुक्र एक ही भाव में विराजमान हो तो जातक को कैसा प्रभाव देता है, क्या गुण विद्यमान होते हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। क्योंकि गुरु जो है वो धन वैभव को देने वाला है, बल बुद्धि को देने वाला है। शुक्र जो है वो व्यक्ति के अंदर तेज गुणों का प्रभाव डालता है। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो व्यक्ति के भाग्य को चार चांद लग जाते हैं, विवाह के योग भी बनने लगते हैं और संतान उत्पत्ति में भी बाधा जो है वो दूर हो जाती है। बृहस्पति शुक्र दोनों ही ग्रह, बृहस्पति देव गुरु है और शुक्र दैत्य गुरु है। बृहस्पति शुक्र में कई असमानताएं हैं तो कई समानताएं भी पाई जाती है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है और शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह माना जाता है। बृहस्पति विष्णु भगवान का स्वरूप है तो शुक्र भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह का संबंध होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर गजब चुंबकीय शक्तियां होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह के महसूस करते हैं। एक दूसरे के बिना सृष्टि की संरचना से लेकर के कुछ भी कार्य करना संभव नहीं है। विपरीत लिंग के व्यक्ति इन जातकों की ओर बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। लोग इन जातकों के पीछे स्वतः ही खींचे चले आते हैं, कहां जहां बृहस्पति और शुक्र दोनों एक ही भाव में बैठे हों। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक बहुत शुभ और शक्तिशाली ग्रह है तो शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह है, यानी दोनों शुभ, एक शुभ है तो एक महाशुभ है। बृहस्पति शुक्र की बलवान युति या दृष्टि संबंध होने से बृहस्पति शुक्र का मूल बहुत अधिक बढ़ा देता है। शुक्र सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास संसार का कारक है तो बृहस्पति पारलौकिक और सांसारिक दोनों के सुख देने में सक्षम है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों सुखों को प्राप्त कराता है। बृहस्पति शुक्र के संबंध से जातक भोगी और आध्यात्मिक दोनों बन जाता है। ऐसे जातक में भौतिक इच्छाओं की कामना भी अधिक होती है तो आध्यात्मिक भी बहुत होती है। बृहस्पति शुक्र के संबंध में शुक्र से अधिक बृहस्पति अधिक बलवान होता है। जातक संसार के भौतिक सुख भी प्राप्त करता है और आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक अपना झुकाव रखता है। इससे कभी भी ऐसे जातक कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि इन्हें संसार भोगों की अधिक और मुड़ना चाहिए, पारलौकिक सुख प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जातक सोचते इनमें कुछ भी यदि बृहस्पति शुक्र दोनों बलि हो, ग्यारहवां व नवम भाव के शुभ प्रभाव हो तो पारलौकिक और लौकिक दोनों सुख इन जातकों को मिल जाते हैं। बृहस्पति और नवम भाव के शुभ प्रभाव में होने से या नवम भाव का संबंध बृहस्पति से होने से जातक देवताओं की उपासना अधिक करता है, भक्ति भाव में लीन रहता है, उसकी आस्था जो है वो ध्यान साधना में अधिक रहती है। बृहस्पति शुक्र दोनों विवाह के कारक है। यदि इनकी स्थिति बहुत खराब हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याएं रह सकती है या वैवाहिक जीवन सुख कम मिलता है, दाम्पत्य जीवन जो है वो एक दूसरे के भावनाएं नहीं जुड़ पाती है, एक दूसरे के विचार आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति है तो शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी है।
दोनों एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। जिन जातकों को शुक्र बहुत कमजोर होता है या कमजोर होकर शुक्र शनि राहु आदि जैसे ग्रहों के साथ हो या इनसे दृष्ट हो, तब पत्नी सुख में कमी रहती है। स्त्रियों की कुंडली में यह नियम गुरु पर लागू होगा। बृहस्पति शुक्र केंद्र त्रिकोण या स्वामित्व अधिकार होकर संबंध बनाने से जातक की जीवन रेखा से जो हथेली में शुक्र क्षेत्र के पास ही है, कुछ रेखाएं ऊपर बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तो जातक को जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति तरक्की का अवसर प्राप्त करने में सुविधा होती है। जितनी बार जीवन रेखा की जिस आयु में यह रेखाएं निकलती है, जीवन की उसी आयु में जातक को उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बृहस्पति शुक्र दोनों बली होने चाहिए। जिस विशेष रूप से शुक्र से अधिक बृहस्पति अधिक बलवान होना चाहिए। यदि बृहस्पति शुक्र दोनों में एक कोई कमजोर है, अशुभ पाप ग्रहों से पीड़ित है, राशि अंशों में कमजोर या अन्य प्रकार से दूषित होने से स्थिति हाथ में होना असंभव है। कभी कभी लग्न या लग्नेश का संबंध बृहस्पति से होने पर भी रेखाएं जीवन रेखा से ऊपर को निकलने लगती है, जिनका अशुभ या शुभ फल उन्नति कारक होता है। तो दोस्तों, आज हमने गुरु और शुक्र की युति के बारे में बताया कि कुंडली में गुरु और शुक्र एक ही भाव में हो तो क्या प्रभाव जातक की कुंडली में पड़ता है, उसके जीवन में इन दोनों ग्रहों के संयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।